शहर में इन दिनों बर्की ट्रांसफार्मर्स पर हद से ज़्यादा लोड बढ़ जाने से आग लगने के वाक़ात पेश आ रहे हैं। मौसम गर्मा के आगाज़ के बाद से ऐसे कई एक वाक़ात पेश आए हैं। गुज़श्ता रोज़ मलकपेट सलीम नगर के एक दवाखाने में बर्की ट्रांसफार्मर फटने से आग लगने का वाक़ा पेश आया था। आज पुराने शहर जानुमा डिवीज़न के अलीबाग इलाके में बर्की ट्रांसफार्मर फटकर आग लगने का वाक़ा पेश आया और आग की शिद्दत ने आसपास के दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद एक गन्ने के शरबत की बंडी जल गई और एक तरकारी की बंडी भी जलकर खाकस्तर हो गई। आग लगने के वाक़े के बाद पूरे इलाके में हल्की सी सनसनी फैल गई। इत्तला के साथ ही जहानुमा डिवीज़न के कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा मौके पर पहुंच गए और फौरी फायर इंजन को तलब करते हुए आग को काबू में करवाया और फौरी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के AE को इत्तला देकर एक नया ट्रांसफार्मर डालने की हिदायत दी। पेश है इस खसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और साथ ही कॉरपोरेटर के ख्याल। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। रहमान रहीम, आज यहाँ किंग दरबार के सामने शॉर्ट सर्किट होकर ट्रांसफार्मर पे आग लग गई। बुरी तरीके से मतलब ट्रांसफार्मर जल गया। जैसा इतला मिलते मैं फ़ौरन आया और आके फायर स्टेशन को फायर ब्रेक को बुलाया, बुला के फ़ौरन आग तो बुझा दी हम लोग और फौरी में इतला अली जनाब सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को किया और जनाब मौजम खान साहब को इतला दिया हमें। वो लोग भी SC को बोले इमीडिएट ट्रांसफार्मर ला के यहाँ पर बिठा दो बोल के बोले और मैं भी AE को बुलाया जो घर पर आज संडे होने की वजह से आ रहा हूँ। अभी AE साहब भी आ रहे हैं, अभी जैसा उन्होंने आते जो इंशाल्लाह ताला एक आध घंटे में लाइट स्टार्ट हो जाएगी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज अलीबाग झंडे के पास जंक्शन में आग लगने की वजह से बहुत आग लग गई थी। हमारे मुख्तदिर बाबा साहब कॉरपोरेटर जानुमा, ये कब लगी आग? ये आग अपने क्या बोलते हैं, एक 11:30 के टाइम लगी। तो हमारे साहब आग लगते की थोड़ी देर के अंदर हमको रिस्पॉन्स दिए साहब, फायर ब्रिगेड को बुलाए और थोड़ी देर में अभी यहाँ सर हुआ बंडी चली और हमारे गन्ने की एक बंडी थी, दो जनों का नुकसान हुआ और दो जो बेरोजगार लोग थे उनका नुकसान हुआ। और मगर हमारे ये शुक्रिया अदा करना है कि हमारे कॉरपोरेटर साहब मुख्तदिर बाबा बहुत जल्दी रिस्पांस दिए हमें। 15 मिनट के अंदर आप साहब आगे दूसरे जने कोई नहीं देते हमें को रिस्पांस, मगर साहब बहुत जल्दी दिए। हम MM का शुक्रिया अदा करेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से भी शुक्रिया अदा करेंगे।